सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। पिछले काफी लंबे समय से बच्चों व उनके माता पिता के हकों को सरकार व प्रशासन तक पहुंचा रहे आज स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज पत्रकारों के सामने एक और बात रखी, जिसमें एसोसिएशन के प्रधान सरदार गुरप्रीत सिंह दमोली ने उनके द्वारा पिछले दिनों कुछ पब्लिशरों द्वारा उनकी किताबों में बड़ी बड़ी गलतियों को लेकर शिक्षा विभाग को शिकायत की थी, जिस पर शिक्षा विभाग ने राजपुरा के कुछ स्कूलों में अपनी टीमें भेजकर जांच शुरू करवा दी थी। उसी के संबंध में आज प्रधान गुरप्रीत सिंह दमोली ने पत्रकारों के सामने पूरी बात को रखा। आप भी सुनिए क्या कहते हैं प्रधान गुरप्रीत सिंह दमोली। सस्सी का दोस्तों, आज असी थोड़े नाल इस विषय के द्वारा लाइव हुए हैं कि पिछले दिन ही असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के सकत्तर कृष्ण कुमार जी नूं मिले थी ते उन्होंने बेनती की सी कि एक परमवीर पब्लीकेशन किताब है जिदे विच बहुत गलतियां ने, जिसने पंजाब सरकार नूं भी चैलेंज किया होया है कि अजकल हर दफ्तर विच वड्डी चलती है। इस संबंधी असीं उन्होंने मिले थी ते किताबां दी चैकिंग ते पाबंदी लाउण संबंधी बेनती की सी ते पिछली लाइव च तुहानूं दिखाया सी लैटर भी ते उस तों बाद परसों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की टीम आई सी, सहायक सकत्तर पवन कुमार जी, डीओ पटियाला, होर टीचर ते इन्हां ने राजपुरे के स्कूलों की चैकिंग की ते परमवीर पब्लीकेशन दी जिहड़ी किताबां ने उन्हां दी चैकिंग की ते जिहड़े इतराजयोग शब्द सी किताब दे विच उन्हां नूं मौके ते आ तुसीं देख सकते हो ये सारा ब्लैक करके चले गए ने। ये तुसीं देख रहे हो ये परमवीर पब्लीकेशन जलंधर दी किताबां ने ते जद कि आ देखो इत्थे 29 नंबर पेज ते इत्थे लिखिया होया अजकल हर दफ्तर विच वड्डी चलती है ते यह जिहड़े कृष्ण कुमार जी ने उन्हां दी हदायतां दी जिहड़ी टीम आई सी उसने खुद परमवीर पब्लीकेशन दी किताबां ते हजे ब्लैक मार्कर दे नाल इहनूं काला कर दित्ता। उस तों बाद स्कूलां तों इह लिखती जवाब लैके चले गए ने ते जिस संबंधी उन्होंने जिहड़ी अपनी पड़ताल दी रिपोर्ट है कृष्ण कुमार जी नूं सौंपनी है ते उस तों बाद उह तुहाडे सामने इह जिहड़ी पड़ताल दी रिपोर्ट है जो साडे कोल आ जाएगी जो उन्हां दा जो भी जवाब आएगा असीं उह तुहानूं देवांगे। ते सब तों वड्डी गल यह है कि जिहड़ी इह किताबां ने इन्हां दे बिल्कुल मुकम्मल पूरे पंजाब च पाबंदी लगनी चाहीदी है क्योंकि यह पबलिशर किताब छापन लग्या गलतियां दा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। छोटी छोटी गलतियां नूं छड्डो, यह तां यह भी लिख रहा है कि अजकल हर दफ्तर विच वड्डी चलती है, रिश्वत चलती है, साढ़े बच्चों नूं गलत सिक्ख्या दे रहा है। असीं पंजाब सरकार तों मंग करदे हां कि इस जिहड़े पब्लीकेशन है इस ते बिल्कुल भी नरमाई नहीं वरतनी चाहीदी, इस ते तुरंत पाबंदी लगा के सारे पंजाब चों इहदियां किताबां चक्कियां जाणियां चाहीदियां ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਾਸਰੋ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।